हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीजे क्लास में। आज का फ्रेंड्स अपडेट है 20/6/19 का, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति जो है वो प्रक्रिया चल रही है और जुलाई में जो है इसकी बहाली आ जाएगी, विज्ञापन आ जाएगा। तो इसी का अपडेट लेकर हम आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और आप चाहते हैं कि जॉब्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं आपको फुल अपडेट। राज्य में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया जुलाई से शुरू होगी। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों से 30 जून तक रिक्तियाँ मांगी गई हैं। वहीं रिक्तियों की जानकारी और नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित विचार विमर्श के लिए शिक्षा विभाग ने 21 जून को सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों की बैठक बुलाई है, यानी कल को ये बैठक बुलाई है। और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद ने बताया कि सभी विश्वविद्यालयों से 30 जून तक रिक्तियाँ मांगी गई है। यानी 30 जून तक जितने भी विश्वविद्यालय हैं बिहार राज्य के अंतर्गत, सभी से रिक्तियाँ मांगी गई हैं, ताकि जुलाई में जो है प्रक्रिया शुरू हो सके। वहाँ से सूचना मिलने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस विश्वविद्यालय में किस विषय के कितने असिस्टेंट प्रोफेसर की आवश्यकता है। सभी विश्वविद्यालय अपने अपने यहाँ से रोस्टर सहित पूरी जानकारी शिक्षा विभाग को भेजेंगे, और इसके बाद जुलाई महीने से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और विज्ञापन भी आपको जुलाई महीने में आ जाएगा, और आप लोग इसको ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी खबर है उन लोगों के लिए कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसरों की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, और उन लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि कब वैकेंसी आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो के माध्यम से जानकारी लेके आ चुका हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति जो है वो अगले महीने यानी जुलाई में होने वाली है। तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा मौका है कि अगले महीने जो यहाँ पर बहाली आ रही है बिहार राज्य के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी हमारा जो वीडियो अपलोड हो तो आपको जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।